everyone, welcome back to my channel once again. So this is Vinita Bishnoi and let's start with today's video. Today we are going to talk about test tube baby. In my previous video, I have taught you about infertility. कि infertility क्या होती है, males and females में क्या होती है. So इस video में infertility के वजह से जिन couples को बच्चे नहीं होते, तो उनके लिए जो techniques develop की गई है, उन टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे. सो सबसे पहली टेक्निक है दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, एंड जिसको आजकल फैशनेबल टर्म में बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो इन विट्रो का मतलब होता है इन लैबोरेटरी कंडीशन. सो यू विल कम अक्रॉस टू वर्ड्स, हियर इट इज इन विट्रो विच इज इन लैबोरेटरी कंडीशन, एंड सेकेंड वन इज इन वीवो which is there in the body of female itself. So these two terms you have to understand. Now, test tube baby, which is also called in vitro fertilization technique. What happens in this technique? Fertilization of male and female gamete. Male gamete is sperm and female gamete is ova. Fertilization of sperm and ova outside the body of the female. तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो फीमेल की बॉडी से बाहर होता है. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे विल टेक द स्पर्म दैट इज द मेल गैमेट फ्रॉम द मेल, चाहे वो डोनर हो चाहे पार्टनर हो, दैट डजंट मैटर, इट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है. एंड सेकेंड, ओवा फीमेल डोनर से लिया जाता है या जो फीमेल है पार्टनर उनसे लिया जाता है. सो दे विल These two gametes were taken out of the female body. फिर वो sperm and ova को fertilize करवाया जाता है laboratory condition में, and then zygote will form. This zygote, when zygote will form and it develops to embryo stage, this fertilization will be followed by embryo transfer. Fertilization के बाद embryo transfer किया जाता है, ठीक है. सो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, जायगोट बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है. सो दिस हैपेंस इन द लैबोरेटरी, एंड व्हेन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन विल कम, दैट एम्ब्रियो विल बी ट्रांसफर्ड बैक इनटू द फीमेल बॉडी. ओके, फिर नेचुरल डेवलपमेंट विल टेक प्लेस इन फीमेल बॉडी. अब ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, दिस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैन बी डन इन टू फॉर्म्स, वन इज ZIFT एंड अदर इज IUT. ZIFT मतलब होता है जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, एंड IUT का होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. मीन्स ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जा रहा है, सो वो एम्ब्रियो को किस फेज में ट्रांसफर करेंगे, जायगोटिक फेज में ट्रांसफर करने वाले हो या एम्ब्रियोनिक फेज में ट्रांसफर करने वाले हो, इन दैट ऑन दैट बेसिस इट इज नेम्ड ZIFT एंड IUTI. ZIFT, जायगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर. इस टेक्निक के अंदर जो जायगोट होता है उसको यहां लिखा है जायगोट, मतलब कि एम्ब्रियो ही है विच इज एट द 8 ब्लास्टोमियर स्टेज. मतलब उस एम्ब्रियो में 8 ब्लास्टोमियर्स यानी 8 सेल्स होने चाहिए. उस स्टेज में ये जो एम्ब्रियो है इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब, जो नेचुरली होना चाहिए. सो दिस इज वन टेक्निक. हम एम्ब्रियो ट्रांसफर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में कर रहे हैं, इसलिए आप इसको ZIFT बोलेंगे. सेकेंड इज IUT, मीन्स इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. दिस एम्ब्रियो Now will be transferred to the uterus. तो मतलब थोड़ा और एम्ब्रियो को मैच्योर होने दिया जाता है. ये थोड़ा सा पहले वाला स्टेज है, ये बाद वाला स्टेज होता है. सो यहाँ पे एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर या 8 सेल से ज्यादा होना चाहिए, देन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द यूट्रस. तो ये यूट्रस में होता है और ये फेलोपियन ट्यूब में होता है. सो इसमें ये अलग अलग दो टेक्निक आ जाती है. तो हम किस स्टेज में और किस प्लेस में फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑन दैट बेसिस हमने ये दोनों नाम दिए हैं. नाउ सेरोगेसी, डेवलपिंग एम्ब्रियो कैन बी इंसर्टेड इनटू द यूट्रस ऑफ अनदर फीमेल.
a woman who substitutes or takes the place of real mother to nurse the embryo is called surrogate mother. इसका मतलब ये हुआ, suppose हमने फीमेल पार्टनर से, देयर इज अ कपल, और फीमेल पार्टनर से ओवा ले लिया, मेल पार्टनर से हमने स्पर्म ले लिया, इन दोनों को लेबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइज करवा के एम्ब्रियोनिक कंडीशन में लेके आ गए. नाउ एज द फीमेल पार्टनर इज नॉट हैविंग दैट एनवायरमेंट इन द यूट्रस और फिलोपियन ट्यूब विच इज सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो जो फीमेल पार्टनर है उसका यूट्रस इतना वेल डेवलप नहीं है या वो स्ट्रक्चरली इतना परफेक्ट नहीं है कि वो इसको सपोर्ट कर सके, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके, फीटस को कैरी कर सके फॉर 9 मंथ्स. इसीलिए इस जायगोट को जो इस कपल का है दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फीमेल. तो जब भी क्लिनिक्स होते हैं, फर्टिलिटी क्लिनिक्स, इसमें बहुत सारे ऐसे सरोगेसी के ऑप्शंस होते हैं, देयर विल बी फीमेल हु आर डूइंग दीज थिंग्स फॉर सम मनी, तो उनके वम में, उनके यूट्रस में इस कपल का जो जायगोट है, जो एम्ब्रियो, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा. देन दैट मदर विल बी कॉल्ड सरोगेट मदर, शी विल बी कैरिंग द बेबी फॉर 9 मंथ, शी विल नरिश इट. ठीक है, बट जो उसमें जेनेटिक मटेरियल होगा वो कपल का ही होता है. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सरोगेसी. सो द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन इंग्लैंड, सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी बना था वो इंग्लैंड में बना था जुलाई 1978 में, और उस बेबी का नाम था लुइस जॉय ब्राउन. तो लुइस जॉय ब्राउन जो था वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी 1973 जुलाई में बने था. नेक्स्ट इज इन इंडिया, 3 अक्टूबर को 1978, ये जुलाई में और यहां अक्टूबर में फर्स्ट टेस्ट बेबी बनी थी, और फर्स्ट टेस्ट बेबी को दुर्गा बोला गया था क्योंकि वो गर्ल चाइल्ड थी, एंड द डॉक्टर वॉज मुखोपाध्याय जिन्होंने ये पूरा टेस्ट बेबी बनाया था, एंड द नेम ऑफ दैट फर्स्ट टेस्ट बेबी इज कनुप्रिया अग्रवाल. सो इसको दुर्गा बोला था बट उसका जो डॉक्यूमेंटल नेम है दैट इज कनुप्रिया अग्रवाल. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर वन थिंग कि हम उसको टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट ट्यूब में डेवलपमेंट हो रहा है, इसका जस्ट इतना मतलब है कि लेबोरेटरी कंडीशन में हम उसको जायगोटिक एम्ब्रियोनिक कंडीशन तक लेके जाते हैं, और उसके बाद का जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद वाला, जब एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है फीमेल बॉडी में, उसके बाद वो फीमेल बॉडी में नॉर्मली बच्चों की तरह ही डेवलप होते हैं. तो ये ऑप्शन, ये टेक्निक तब लाई जाती है जब मेल या फीमेल या दोनों पार्टनर्स में कुछ इश्यूज हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जिनके वजह से कंसीव नहीं कर पाते हैं, देन दे कैन गो विथ दिस टेक्निक. नाउ दिस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक इज अ वेरी कॉस्टली टेक्निक. फाइन, इस टेक्निक में पहले फीमेल को बहुत ज्यादा इंजेक्शंस दिए जाते हैं, कुछ मेडिकेशंस पे रखा जाता है फॉर फ्यू मंथ्स. तो उसकी वजह से क्या होता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन होता है, बिकॉज यहां पे फीमेल बॉडी में से ओव्यूल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. सो व्हाट इज हैपनिंग, ओव्यूल एक्सट्रैक्ट किया जाता है फीमेल बॉडी से, बहुत सारे ओव्यूल, फिर उस ओव्यूल को लिया जाता है और जो पार्टनर होता है उसे स्पर्म लेके उसे फर्टिलाइज करवाया जाता है एम्ब्रियो लैबोरेटरी कंडीशन में, और दे मेक मेनी जायगोट्स. फाइन, देयर विल बी मेनी जायगोट्स विच विल बी देयर इन द लैबोरेटरी ऑफ दैट कपल. अब इंडिया में आजकल कुछ रूल्स हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी, लाइक ट्विन्स हो जाते हैं, 3 बच्चे, 4, 5, 7, ऐसे मल्टीपल ये जो इम्प्लांटेशन होता है वो मल्टीपल हो जाता है, बहुत सारे एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए देयर इज अ रूल इन इंडिया कि वो यूट्रस में फीमेल के या फिलोपियन ट्यूब में 2 से 3 ही एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करते हैं, कहीं पे 2 है कहीं पे 3 है. तो जो 2 ट्रांसप्लांट करते हैं उस केस में जरूरी नहीं है कि वो दोनों जायगोट इम्प्लांट हो जाए, तो कभी कभी दोनों ही नहीं होते,
और कभी कभी दोनों हो जाते हैं तो उस केस में ट्विंस हो जाते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट ऑफ द यूट्रस ऑफ द फीमेल और द फेलोपियन ट्यूब. तो दिस विल सो व्हाट इट इज मेंशन ओवर हियर की जो सक्सेस रेट होता है वो 20% ही होता है. सो हो क्या रहा है कि सपोज फीमेल हैज वेंट इन फर्स्ट साइकिल में डॉक्टर ने दो एम्ब्रियोज को यूट्रस में रखा या जायगोट में रखा, सॉरी यूट्रस में रखा या फेलोपियन ट्यूब में रखा और उसके बाद उसे नॉर्मली डेवलप होने दिया. आफ्टर सम टाइम व्हेन दे विल गो फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट की पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो कभी कभी फीमेल के पास दोनों ही एम्ब्रियो नहीं रहते हैं. ठीक है, तो दैट वॉज द फर्स्ट साइकिल. नाउ डॉक्टर ने ऑलरेडी जब फीमेल में से इतने सारे ओव्यूल निकाले थे तो ऑलरेडी एम्ब्रियो बना के रखा होता है, स्टोर कर दिया होता है. सो जब फर्स्ट साइकिल में द फीमेल इज नॉट एबल टू कंसीव देन दे विल कम फॉर द सेकेंड साइकिल. बट सेकेंड साइकिल इजियर इसलिए होती है क्योंकि सेकेंड साइकिल में वो ओव्यूलेशन एक्सट्रैक्शन स्पर्म के साथ वो इतना टीडियस नहीं होता है. सेकेंड साइकिल में सिंपली दे विल टेक अप द जायगोट और द एम्ब्रियो एंड दे विल पुट इट इनटू द फीमेल बॉडी. सो इस तरीके से वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के मेथड्स चलते हैं. सो कोई कोई फीमेल फर्स्ट साइकिल में ही कंसीव कर लेती है, किसी किसी को बहुत सारे साइकिल लग जाते हैं. सो दिस इज वॉट हैपन्स इन द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल टॉक अबाउट मोर सच टेक्निक्स एंड वाई द कपल इज गोइंग फॉर दोज टेक्निक्स, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो सी यू देयर एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड बी सेफ.